लाइब्रेरी क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं लाइब्रेरी साइंस के बारे में। तो ब्रिटिश पुस्तकालय संघ द्वारा ब्रिटिश पुस्तकालय संघ द्वारा सन 1885 में पुस्तकालय व्यवसाय के लिए एक विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। पुस्तकालय व्यवसाय के क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। ब्रिटिश पुस्तकालय संघ द्वारा 1885 में पुस्तकालय व्यवसाय के क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। इसके बाद हम बात करते हैं मेलविल डेवी ने सन 1887 में 1887 में एक संस्थान की स्थापना की, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। लाइब्रेरी इकोनॉमी की शुरुआत की गई। इसके बाद में हम भारतीय संदर्भ में पुस्तकालय का जो प्रारंभ है वो किस प्रकार से हुआ उसके बारे में हम बात करते हैं। तो भारत में देखो एक शासक हुआ था शिवाजी राव गायकवाड़ थर्ड। दोस्तों आपको ये थर्ड की जगह सेकेंड ही मिलेगा बुक्स में, लेकिन ये बुक्स में गलत है, गलत प्रिंट हुआ है, तो आप इसको सही कर लीजिए, थर्ड सही है। तो शिवाजी राव गायकवाड़ थर्ड तृतीय ने क्या किया, मेलविल डेवी का शिष्य था डब्ल्यू ए बॉर्डन। देखो इसका पूरा नाम मैं आपको एक बार कंफर्म करवा देता हूँ, विलियम एलिंसन बॉर्डन। अब देखो मैं एक बात बता दूं कि भयो कहे कि शिवाजी राव जो गायकवाड़ तक किया ये गया घूमने कहा अमेरिका। अब इसने क्या है कि शिवाजी राव गायकवाड़ ने वहां की व्यवस्था देखी, अमेरिका में जो पुस्तकालय की जो व्यवस्था है उसको देखा। उसको देखने के बाद में उसको लगा, शिवाजी राव गायकवाड़ खड़े को लगा कि ये जो व्यवस्था यहाँ अमेरिका में है पुस्तकालय क्षेत्र में वो अपने भारत में भी होनी चाहिए। इसके लिए जो शिवाजी राव गायकवाड़ खड़े ये मिले थे मेलविल डेवी से मिले और उनसे आग्रह किया कि आप भारत चलो हमारे साथ और ये जो आपने व्यवस्था यहाँ रखी है पुस्तकालय क्षेत्र में वो अपने भारत में भी होनी चाहिए। मेलविल डेवी ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि देखो मैं तो अभी थोड़ा बिजी हूँ तो मैं तो जा नहीं सकता, लेकिन मेरा एक शिष्य है कौन डब्ल्यू ए बॉर्डन, मैं उसको आपके साथ भेज सकता हूँ। तो 1910-11 में ये जो डब्ल्यू ए बॉर्डन है ये आया भारत, और भारत आके इन्होंने पुस्तकालय के लिए जो पुस्तकालय शिक्षा है इनको भारत में प्रारंभ किया। तो मेलविल डेवी था, इनसे मिले, इनसे मिलने के बाद में इन्होंने कहा कि डब्ल्यू ए बॉर्डन मैं आपके साथ भेज देता हूँ, और डब्ल्यू ए बॉर्डन आ गया 1911 में कहा भारत, और भारत में इन्होंने पुस्तकालय शिक्षा का प्रारंभ किया। अब मैं आपको शिवाजी राव गायकवाड़ थर्ड के बारे में एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि पुस्तकालय ये जो शिवाजी है शिवाजी राव गायकवाड़ इन्हें भारत में पुस्तकालय का जनक माना जाता है। शिवाजी राव गायकवाड़ थर्ड को भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक माना जाता है। पुस्तकालय आंदोलन का जनक ये जो शिवाजी राव गायकवाड़ थर्ड थे ये बड़ौदा के नरेश थे। कहाँ के नरेश थे? बड़ौदा नरेश थे। ये भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक नहीं माना जाता है, लेकिन एक नाम होता है कि भारत में पुस्तकालय का जो जनक है वो किसे माना जाता है, पुस्तकालय का जनक। तो उसके लिए आपको एक नाम याद रखना पड़ेगा, डॉक्टर एस आर रंगनाथन। ये भारत में पुस्तकालय के जनक माने जाते हैं, पुस्तकालय जनक। विश्व लेवल पर हम बात करें पुस्तकालय जनक की, तो मेलविल डेवी को विश्व
से लेवल पे पुस्तकालय धर्म माना जाता है, विश्व स्तर पे पुस्तकालय जनक। ओके, स्तर पर पुस्तकालय का जो जनक है मेलविन डेवी को माना जाता है, भारतीय पुस्तकालय का जनक है ना वो माना जाता है डॉक्टर एस आर रंगनाथन को, और भारतीय पुस्तकालय आंदोलन का जनक है वो माना जाता है बड़ौदा नरेश शिवाजी राय गायकवाड़ टर्बे को। इसके बाद में हम बात करते हैं भारत में जो पुस्तकालय के क्षेत्र में जो कोर्सेज है उनके बारे में, कि कौन कौन से कोर्स कब कब स्टार्ट किए गए थे, कब कब ये शुरू किए गए थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सन 1915-16 की, सन 1915-16 की। तो 1516 में क्या हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा, पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा, पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा जॉन डिकिंसन के निर्देशन में, देखो आपको ये याद नाम याद रखना पड़ेगा, जॉन डिकिंसन के निर्देशन में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया। डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत की थी देखो सन 1915-16 के अंदर पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा जॉन डिकिंसन के निर्देशन में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं एस आर रंगनाथन के निर्देशन में, एस आर रंगनाथन के निर्देशन में मद्रास ग्रंथालय संघ द्वारा सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ किया गया। ठीक है, 1915-16 में पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा जॉन डिकिंसन के निर्देशन में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया, ऐसा रंगनाथन के निर्देशन में मद्रास ग्रंथालय संघ द्वारा सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ किया गया। इसके बाद में हम आगे की बात करते हैं पीजी डिप्लोमा कोर्स की, पोस्ट ग्रेजुएट पीजी डिप्लोमा कोर्स, पीजी डिप्लोमा कोर्स की, तो ये 1937 में प्रारंभ किया गया था मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा। इसके बाद जब हम आगे की बात करते हैं बीलीव की, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं, बीलीव की, तो ये बीलीव जो कोर्स था ये 1947 में प्रारंभ किया गया था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा। देखिए थोड़ा फास्ट, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो थोड़ा फास्ट हो रहा है तो आप थोड़ा उसको स्लो करके भी देख सकते हैं या पॉज करके भी देख सकते हैं और पॉज करके आप ड्राइव भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं एमलिम जो था ये 1949 में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया था। दिल्ली विश्वविद्यालय एमलिम। इसके बाद में हम बात करते हैं एमफिल कोर्स के, ये 1978 में एमफिल ये भी दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद में हम बात करते हैं पीएचडी की। तो पीएचडी जो कोर्स है या पीएचडी की जो डिग्री है ये 1951 में शुरू की गई थी 1951 में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा। एक बार रिवाइज कर देता हूँ, पीजी देखो शुरू से देखो आप पीजी डिप्लोमा कोर्स 1937 में मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद बीलीव है 1947 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया था, एमलिम है 1949 में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा, एमफिल है 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा, पीएचडी जो है 1951 में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा। अब पीएचडी की डिग्री की हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम जो पीएचडी की डिग्री है सन 1957 में एस आर रंगनाथन के निर्देशन में
निर्देशन में डीबी कृष्णा राव को, डीबी कृष्णा राव, कृष्णा राव को प्रदान की गई पीएचडी की डिग्री सन 1957 में एस आर रंगनाथन के निर्देशन में डीबी कृष्णा राव को प्रदान की गई। ये जो एस आर है, एस आर रंगनाथन, इनका फुल जो फुल नेम है मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे, सियाली सियाली रामावर्त रामावर्त रंगनाथन, सियाली रामावर्त रंगनाथन, सियाली रामावर्त रंगनाथन। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, सियाली ये इनके गांव का नाम था, सियाली रामावर्त इनके पिता का नाम था और ये इनका स्वयं का नाम था, सियाली रामावर्त रंगनाथन, ऐसा रंगनाथन का पूरा नाम है। ये जो डिग्री थी पीएचडी की 1957 में एस आर रंगनाथन के निर्देशन में डीबी कृष्णा राव को प्रदान की गई। और एक चीज आपको बता देता हूँ, जो डेट है 1957 में ही जो रंगनाथन महोदय है इनको पद्मश्री की उपाधि दी गई, पद्मश्री प्रदान किया गया है 1957 में। एक चीज आप याद कर सकते हो साथ में। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके जो निर्देशन की, तो रंगनाथन के निर्देशन में एक कोर्स किया गया था, ये डिग्री प्रदान की गई थी। ये इसका जो शीर्षक था वो क्या था, ये पिछले एग्जाम में हमने नेट में पूछा गया कुछ नहीं है कि इसका जो शीर्षक क्या था, पीएचडी किस शीर्षक पे इन्होंने पीएचडी डिग्री की थी, पीएचडी की, तो शीर्षक का नाम है फैक्ट एनालिसिस दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा,
ये एम के लिए आएगा 1978 में। देखो दोस्तों अगर किसी को इंग्लिश में दिक्कत हो रही है तो जैसा मैं हिंदी में बात बोल भी रहा हूँ तो बोलने के हिसाब से आप हिंदी में इसको अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में है पीएचडी कोर्स, पीएचडी ये पीएचडी दिया गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा। दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा कब किया गया था 1951 में। एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ, रिक्रिएशन कोर्स बड़ौदा पुस्तकालय संघ द्वारा 1910 में शुरू किया गया था। इसके बाद में है डिप्लोमा कोर्स पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा 1915-16 में किया गया था। इसके बाद में है पीजी डिप्लोमा कोर्स मद्रास यूनिवर्सिटी द्वारा 1937 में किया गया था। इसके बाद में बीलीव है ये बीलीव अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा 1947 में किया गया था। इसके बाद में एमबीएस एमबीएस दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा 1949 में। इसके बाद में एमफिल दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा 1978 में। इसके बाद में पीएचडी जो 1951 में दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा दी गई थी। अभी पीएचडी डिग्री अभी मैंने जैसे कि आपको बताया है 1957 में प्रदान की गई थी किसको, डीबी कृष्णा राव को। बीबी कृष्णा राव को कब की गई थी 1957 में प्रदान की गई थी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। देखो दोस्तों लाइब्रेरी जो सब्जेक्ट है ये सभी सभी के लिए एक नया सब्जेक्ट है। तो अगर आपको कोई ये सोच रहा है कि मुझे कम याद हो रहा है, फिर याद अच्छी तरह से नहीं हो रहा है या फिर ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो आप वीडियो को बार बार पॉज करके स्लो करके देख सकते हैं। और मैं आपको संपूर्ण जो सिलेबस है आपका लाइब्रेरी का वो इसी वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा